क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो लैपटॉप यूजर्स के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लैब केयर के लैपटॉप कूलिंग पैड के बारे में, जो कि लैपटॉप की एक एक्सेसरीज है। इस टॉपिक पर मेरी पूरी सीरीज होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आपके पास लैपटॉप की कौन कौन सी एक्सेसरीज होनी चाहिए। तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो है, इसमें अभी काफ़ी सारी वीडियो आएंगी, जिसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। और गाइज, एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि मेरी पिछली तीन वीडियो की तरह इसमें भी एक गिवअवे है। मेरी पिछली तीन वीडियो में ये A7 का टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस गिवअवे हो चुका है, तो इस वीडियो में भी है। तो इस वीडियो में ये वाला एंटीवायरस गिवअवे होने वाला है, तो गिवअवे को लेने के लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो गाइज, आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। अगर आप अपने लैपटॉप में काफ़ी टाइम तक गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर ऑफिस वर्क करते हैं, तो आपका लैपटॉप हीट प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके लिए कूलिंग पैड यूज़ किया जाता है। नॉर्मल पीपल स्टैंड बाई करते हैं लैपटॉप स्टैंड, जिस पर रख के वो यूज़ कर सकें, तो उससे अच्छा रहेगा कि अगर आप एक नॉर्मल स्टैंड की जगह आप एक कूलिंग पैड ले लें। इससे आपके डबल फायदे होंगे, आपके लिए एक अच्छा लैपटॉप स्टैंड भी मिल जाएगा और आप इसके ज़रिए आप अपने लैपटॉप को कूल भी कर पाएंगे। तो गाइस, आइए इसके अनबॉक्सिंग करके आपको इसके फीचर्स बताते हैं और आप इसको यूज़ कैसे करेंगे वो भी आपको बताते हैं। तो गाइस, आप इस कूलिंग पैड की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा कूलिंग पैड और ये कुछ इसके डॉक्यूमेंट पेपर वगैरह हैं, इसको मैं रखता हूँ साइड में। और ये है इसके USB to USB केबल, जिसके ज़रिए कनेक्ट होगा लैपटॉप से और ये ऑन होगा। इसमें आपको नीचे चार बेस मिल जाते हैं, जिसपे ये जिसकी वजह से ये फिसलता नहीं है। जहाँ भी आप इसको रखेंगे वहीं पे ये फिक्स हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से इसको। और ये इसका लैपटॉप स्टैंड है, जिसपे लैपटॉप आपका रुकेगा, इसको आप ऐसे खोल लेंगे। इसमें आपको दो फैन मिल जाते हैं 12.5 सेंटीमीटर के RGB लाइट के साथ, जिनकी स्पीड 1000 RPM है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और ये यहाँ ये इसका स्टैंड है, जिस पर आप अपना लैपटॉप की अलग अलग साइज पे फिक्स कर सकते हैं। इसमें तीन साइज मिली हुई है। ये सबसे पहले अगर आपको डाउन रखना है तो पहले पे कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे पे थोड़ा और अप हो जाएगा, और तीसरे पे पूरा इसका मैक्सिमम साइज है, इस पर आप अप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप इतने पे करेंगे तो आपका लैपटॉप गिर सकता है, तो ये इतना काफ़ी है इसकी साइज। तो गाइस, चलिए अब इस पे अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं और इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं इस केबल के ज़रिए। मैं रख देता हूँ साइड में और लाता हूँ अपना लैपटॉप। तो ये रहा हमारा लैपटॉप, जिसमें हम आपको इस पे रखेंगे। इस पे आप ऐसे जो स्टैंड इसका जो दिया हुआ है, इस पे लैपटॉप रुक जाता है पूरा ऐसे, और आप इसकी साइज घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। ये जो केबल है USB to USB, एक आपके लैपटॉप में लग जाएगा और एक इसमें पीछे, तो लगा देता हूँ मैं। एक यहाँ पर आपके लैपटॉप में लग जाएगा, जहाँ भी आपके लैपटॉप में USB पोर्ट हो इसे लगा देंगे, और दूसरा तो मैं साइड में रख देता हूँ ताकि आप प्रॉपर देख पाएँ। और दूसरा आप लगा देंगे कूलिंग पैड के पीछे, इसको आप यहाँ पर लगा देंगे। और ये इसकी मैं स्टार्टिंग साइज पर कर दिया हूँ। जैसे ही आप ऑन करेंगे लैपटॉप, तो देखिए ये दोनों फैन और इसकी लाइट ऑन होगी। अब जब इस पे आप अपना लैपटॉप रखेंगे तो आप अपना लैपटॉप काफ़ी टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये हीट की प्रॉब्लम जो आती है, अपना हीट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अभी दिन का टाइम है, तो इसकी वजह से इसकी लाइट थोड़ा कम दिख रही है। मैं बल्ब बंद कर देता हूँ ये वाली। अभी देखिए इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और रात में एक और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपका पूरा गेमिंग लैपटॉप लगेगा। तो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नॉर्मल स्टैंड यूज करते हैं या फिर बाय करने का सोच रहे हैं, तो आप उसको इससे स्विच कर सकते हैं। यह काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, जो कि आपके लैपटॉप को कूल भी बनाएगा और एक तरह का स्टैंड भी रहेगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं आज की गिवअवे की। ये K7 का टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस, मैं इसको गिवअवे करूँगा जो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके
उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करेगा। इंस्टाग्राम आईडी आपको साइड में शो हो रही होगी, उस पर आपको डीएम करना है। तो मैं इसके जो कीवर्ड है उसके पास सेंड कर दूंगा, जिसके जरिए वो इसकी इजीली इंस्टॉल कर लेगा। तो गाइज़ अगर आपको ये कूलिंग पैड बाय करना है तो बेटर प्राइस के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इस टाइम पर 770 रुपये में अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे कि आप मेरा अपकमिंग रिव्यू भी नहीं मिस कर पाएंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।